विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ ने उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन। अपात्र रहे पंचायत सहायक को विद्यालय सहायक बनाने व नियमितीकरण को लेकर दिया ज्ञापन। विद्याधर वैष्णव की रिपोर्ट। राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ देवगढ़ के तत्वाधान में राजस्थान सरकार द्वारा कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत आयु सीमा व संतान संबंधित नियम के तहत विद्यालय सहायक बनने से रहे वंचित पंचायत सहायक को शिथिलता प्रदान करते हुए नियुक्ति दिलाने के संदर्भ में उपखंड अधिकारी देवगढ़ शिव राम मीना को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन दिया गया। आपको बता दें कि संघ के अध्यक्ष गोविंद सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने आयु व संतान से संबंधित पंचायत सहायकों की स्क्रीनिंग न कर उन्हें अपात्र घोषित कर दिया, जो कि न्याय संगत नहीं है। सरकार इन्हें जल्द से जल्द विद्यालय सहायक पद पर नियुक्ति देकर सभी को नियमित किया जाए। ज्ञात रहे विद्यार्थी मित्र के रूप में 2007 से अपनी सेवा दी, तत्पश्चात उन्हें पंचायत सहायक पद पर नियुक्ति दी गई। अब जब स्क्रीनिंग का समय आया तो सरकार इन्हें आयु व संतान संबंधित नियम का हवाला देकर अपात्र कर शिथिलन सूची में डाल रही है। संघ का कहना है कि सभी अपात्र की स्क्रीनिंग कर उन्हें विद्यालय सहायक पद पर नियुक्ति देकर पूर्व अनुभव को जोड़ते हुए जल्द से जल्द नियमित किया जाए। इस दौरान संघ के सुरेंद्र सिंह, गोविंद सिंह, निर्मल जोशी, नितिन तिवारी, पूर्ण सिंह, मांगी लाल, गोपाल जोशी, शंकर लाल जोशी उपस्थित थे। राजस्थान सरकार द्वारा संविदा सेवा नियम 2022 में जो नियुक्ति दी गई, जिसमें हमारे 5000 साथी जो शेष रह गए उनको शीतलन सूची में उम्र संबंधी और संतान संबंधी बताकर उनको अपात्र घोषित कर दिया गया। राज्य सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द इनको नियुक्ति दी जाए और ताकि जल्द से जल्द काम हो सके।